एक दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम लोगों में तशरीफ़ फरमा थे कि आपके पास एक शख्स आया और पूछने लगा, ईमान किसे कहते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया कि ईमान ये है कि तुम अल्लाह पाक के वजूद और उसकी वहदानियत पर ईमान लाओ, और उसके फरिश्तों के वजूद पर, और उस अल्लाह की मुलाकात के बरहक होने पर, और उसके रसूलों के बरहक होने पर, और मरने के बाद दोबारा उठने पर ईमान लाओ। फिर उसने पूछा कि इस्लाम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फिर जवाब दिया कि इस्लाम ये है कि तुम खालिस अल्लाह की इबादत करो, और उसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ, और नमाज कायम करो, और ज़कात फ़र्ज़ अदा करो, और रमज़ान के रोज़े रखो। फिर उसने एहसान के मुतालिक पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम इसे देख रहे हो। अगर ये दर्जा ना हासिल हो तो फिर ये तो समझो कि वो तुमको देख रहा है। फिर उसने पूछा कि क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया कि इसके बारे में जवाब देने वाला पूछने वाले से कुछ ज़्यादा नहीं जानता, अलबत्ता मैं तुम्हें इसकी निशानियां बतला सकता हूँ। वो ये हैं कि जब लोंडी अपने आका को जनेगी, और जब सियाह ऊँटों के चराने वाले देहाती लोग तरक्की करते करते मकानात की तमीर में एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश करेंगे। याद रखो, कयामत का इल्म इन पांच चीज़ों में है जिनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी कि अल्लाह ही को कयामत का इल्म है कि वो कब होगी। फिर वो पूछने वाला पीठ फेर कर जाने लगा। आपने फरमाया कि इसे वापस बुला कर लाओ। लोग दौड़ पड़े मगर वो कहीं नज़र नहीं आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया कि वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे जो लोगों को इनका दीन सिखाने आए थे। सही बुखारी, हदीस नंबर 50।